जो कल वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में बताइए, और कितने लोग की गिरफ्तारी हुई और क्या क्या उनके ऊपर कल लगाएंगे? कल दोपहर को हमें एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, वो मिला है, और जैसे ही उस वीडियो को हमने एनालाइज़ किया है, इमीडिएटली हमने FIR रजिस्टर किया। सख्त कानून के जो प्रावधान है उनके अंदर में इस केस को रजिस्टर किया गया है। उस वीडियो को एनालाइज़ करते करते हमने 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो उस वीडियो में दिख रहे थे, और साथ ही साथ उनको रात देर रात तक हमने उनको अप्रीहेंड भी कर लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। क्यों मारा था, कुछ पता चला? कारण अभी पूछताछ जारी है, जैसा पूछताछ में सामने निकलेगा वो इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी आएगा वो कागजों पे लाया जाएगा। क्या कार्रवाई हो सकती है? हमने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन जो इस तरीके का इंसिडेंट उस वीडियो में दिख रहा है उसके तहत हमने कानूनी प्रावधान लगाए हैं, और उसके बेसिस में हमने उन तीनों को अब गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक वीडियो में पुलिस कर्मी भी दिख रहा है वर्दी में, वो कौन है और उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, उनकी पूछताछ भी हो रही है? मैं इस प्रश्न को एकदम आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो वर्दी में दिख रहा है वो पुलिस वाला पुलिस पर्सन बिल्कुल नहीं है, और वो सेवा डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। सर, इसके ऊपर कोई चाइल्ड के जो विचारे लगाए गए हैं? इसमें हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो हमारे कानूनी प्रावधान है उनको हमने इस केस में लगाया है, साथ ही साथ IPC के सेक्शंस भी इसके अंदर में लगाए गए हैं। तो जो बच्चा है वो कहाँ पे मिला है या कुछ, या उनको पता चला उसका? इस पे हम आगे अभी अपनी पुलिस की जो कार्रवाई है इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको हम ढूंढ रहे हैं। जो ये वारदात हुई है ये एग्जैक्टली बामन पूजा एक्साइज सर्कल के पास में हुई है, और बिल्कुल ही साथ वाले डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ा है। साथ वाले डिस्ट्रिक्ट की मदद भी ली जा रही है पुलिस की, और इस बच्चे को हम जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या संदेश देना चाहती है, क्योंकि ये वारदात काफ़ी टाइम हो चुकी है, होती रहती है, तो लोग ऐसे कदम ना उठाए इसके लिए? मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर इस तरीके की कोई वारदात, या कभी भी आपको लगता है कि कोई गैर कानूनी वारदात हो रही है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन नज़दीक हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लोग आएँ और वहाँ पे इसको रिपोर्ट करें। पुलिस उचित समय पे ही एकदम आपकी जो भी कंप्लेंट आई है उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेगी, और साथ ही साथ आपको अपडेट भी करेगी। थैंक यू सर।